तो विधानसभा चुनाव के दौरान बागी हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई जारी रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने जगदलपुर विधानसभा के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध होकर काम करने के आरोप में दो कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई की है, जिसमें पूर्व कांग्रेस महिला अध्यक्ष कमल झज एवं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता विक्रम शर्मा को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस के जगदलपुर विधानसभा प्रत्याशी जतिन जायसवाल एवं बस्तर जिला स्थानीय संगठन के पदाधिकारी ने आलाकमान से भीतर घातियों की शिकायत की थी। पूर्व महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कमल झज और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता विक्रम शर्मा द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी के रहे प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा था, उनके पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसकी लगातार शिकायत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा दी जा रही थी और अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा रखा था, जिसको लेकर इन्हें आगाह किया गया था, नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण इन्हें कांग्रेस पार्टी